दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं कि मैं इस टाइम नोएडा के अंदर हूँ और ये नोएडा के अंदर लगा हुआ गुरु का लंगर, और इस गुरु के लंगर के साथ साथ यहाँ पर ये गुरु का लंगर लगा हुआ उनके लिए यहाँ पर पुलिस की व्यवस्था भी है साथ में, और जो भी पुश्ते के इलाके के लोग इस टाइम रोड के ऊपर बैठे हैं उनके लिए ये गुरु का लंगर लगा हुआ। और आइए देखते हैं, ये उनके लिए खाना बांटा जा रहा है। और ये काम सबसे पहले एक ही कौन करती है जिसे हम कहते हैं सिख को, काफ़ी लाइन लगी हुई है खाना बनाने के लिए खड़े हुए हैं, ऊपर दाल रोटी बांटी जा रही है, सिविल डिफेंस वाले भी लगे हुए हैं और साथ में अपने गुरु सिख भाई भी लगे हुए हैं। कहाँ से आए हैं और इस टाइम पे वो आप देख रहे हैं मेरे पीछे भी हुई है, और ये सारा सेवा का काम करा जा रहा है गुरुद्वारा गुरु के लंगर के द्वारा, जिनके अंदर चावल भी दाल भी रोटी आप देख रहे हैं। यहाँ पे बड़े बड़े पतीले रखे हुए जिनके लिए उनको सबको बांटा जा रहा है, क्योंकि एक ही दिक्कत आती है ऐसी बारिश के अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पे लंगर भी बांटा जा रहा है। गल करिए महाराज थोड़े ना कुछ गल करिए, कहनी जगह तो आए हुए नहीं दसूंगे शीशगंज गुरुद्वारा साहब, गुरु शीशगंज गुरुद्वारा अलग अलग टूटियाँ देखी, कोई बंगला साहब तो आया, कोई शीशगंज आया, कोई पाकिस्तान साहब तो आया, शीशगंज को पार करके शीशगंज गुजरा ले सारी टूटी लगी है। वाहगुरु जी गुरु नानक देव जी शुरू थी उन्होंने शुरू किया सब तो अच्छे, सब तो पहला पंजाबी ही वरदान मिले हैं भी सब की सेवा करी लंगर जरा लाते सर पंजाबी सब पंजाबी प्रशासन तो पहला भी आप देख रहे हैं सर यहाँ पे उनका कहना है कि वो गुरुद्वारे शीशगंज से आए हुए हैं और ये सेवा सबसे पहले पंजाबी ही लेते हैं जिनको गुरु नानक जी का वरदान मिला हुआ है कि ये सेवा उन्होंने ही सबसे पहले शुरू कर दी। आप ये भी रहते हैं सर देख रहे हैं सारा कुछ, और इसके आगे के पुस्ते के साथ साथ की और भी खबरें आपको आगे दिखाते हैं। मैं दिल्ली क्राइम प्रेस से राजकुमार, जय हिंद जय दिल्ली क्राइम।